सो हे गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो आज मैं कोई मेकअप वीडियो शूट नहीं करने वाली हूँ। आज मैं आप लोग के साथ एक रिव्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि है डर्माको सैलेसिलिक एसिड का। तो ये है 2% सैलेसिलिक एसिड फेस सीरम फॉर एक्टिव एक्ने। इसका ब्रांड नेम है डर्माको। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इसको कब और कैसे यूज करना है, आपका स्किन टाइप कौन सा है, आपको यूज करना है या नहीं, बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप इसे यूज करते हो या बाय करने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में इस सीरम के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगी। हाँ, अभी तक मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के पास में एक छोटू सा बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप उसे नोटिफाई हो सको और आपके पास मेरा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस सीरम के पैकेजिंग के बारे में मैं बात करूंगी। तो इसका पैकेजिंग कुछ इस तरह का है। वैसे पैकेजिंग इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अंदर का प्रोडक्ट कैसा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी मैं आउटर पैकेजिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। तो ये पैकेजिंग कुछ ऐसा है, कार्डबोर्ड का है और कुछ ऐसा है, आपको कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं इनर पैकेजिंग के बारे में। तो ये रहा हमारा सीरम, और इसके साथ आपको एक ड्रॉपर मिल जाता है। ड्रॉपर की हेल्प से आप अपने फेस पे सीरम अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए ये ड्रॉपर दिया है। वैसे ये मेरा सेकेंड बाई है, मैंने फर्स्ट खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट खत्म ही है ये। तो ये मेरा सेकेंड बाई है। तो ये है 2% सैलेसिलिक एसिड फेस सीरम फॉर एक्टिव एक्ने। इसका प्राइस वैसे 499 है, बट ऑफर वगैरह में आपको ये 450 समथिंग में मिल जाएगा। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हो अगर आप बाय करना चाहते हो। तो इस सीरम के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं कि ये किस टाइप के स्किन पे वर्क करता है। आपका स्किन ऑयली है, एक्ने है या ओपन पोर्स है या स्किन से रिलेटेड जो भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम है तो आप इसे यूज कर सकते हो। इसका ब्रांड नेम है डर्माको सैलेसिलिक सीरम में 2% सैलेसिलिक एसिड। तो जो हमारी स्किन को बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाए, 2% से ज्यादा सैलेसिलिक एसिड को यूज करते हो तब आपको हार्मफुल हो सकता है। वैसे 2% से ज्यादा आप यूज मत करना, तो क्योंकि अभी तो कुछ नहीं होगा, बाद में चल के बहुत ही हार्मफुल हो जाएगा। इसको अप्लाई करते हो ना तो जो आपकी डेड स्किन है वो मेल्ट करके ये बाहर निकाल देता है। ये बहुत ही थिन है और स्किन में इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है। इसको मैंने 5-6 महीने पहले से यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि तभी मेरे स्किन पे छोटे छोटे से एक्ने, यहाँ पे एक्ने स्टार्ट हो गए थे। तो मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था, देन आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेरे एक्ने हुए थे, यहाँ पे छोटे छोटे बॉम्ब्स हो गए थे, वो बिल्कुल ठीक हो गया है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से वर्क किया ये। तब से ही मैं इस सीरम को यूज करती हूँ और ये बहुत ही ज्यादा वर्क करता है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप बिना सोचे आप इसको यूज कर सकते हो। तो अब मैं इसके यूजेस के बारे में बात कर लूंगी। जहाँ पे आपको एक्ने है आपको बस वहीं पे अप्लाई करना है ड्रॉपर की हेल्प से। आपको अगर यहाँ पे एक्ने है तो आप इतना दूर ही अप्लाई करें, पूरे फेस पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आपको एक्ने है या बॉम्ब्स हो गए छोटे छोटे, वहां पे ही आप अप्लाई करो, देन उसको अच्छे से ब्लेंड करके स्किन में अब्सॉर्ब कर दो। अगर आपका फेस ऑयली है या पूरे फेस पे एक्ने या दाने हो गए हैं तो आप पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब मैं इसके बारे में बताऊंगी आपको कब और कैसे यूज करना है। वैसे आपको पैकेजिंग पे आपको डे और नाइट आपको दिख रहा होगा शायद, इस पैकेजिंग पे आपको डे एंड नाइट मेंशन किया है कि आप दिन और रात दोनों टाइम यूज कर सकते हो, बट मैं इसको प्रेफर करती हूँ नाइट में यूज करना। और आप देख सकते हो मेरा स्किन काफी अच्छा हो गया है अभी फिलहाल। तो इसको यूज करने से पहले सबसे पहले आपको एक बहुत ही अच्छे से अपना फेस वॉश करना है, देन आपको फेस पे कुछ भी यूज नहीं करना है, टोनर गुलाब जल नथिंग। अपनी फेस को पूरी अच्छी तरह से ड्राई होने दीजिए, उसके बाद आप इस सीरम को इस ड्रॉपर की हेल्प से 2-3 ड्रॉप अपने फेस पे अप्लाई करें, उसके बाद अच्छे से इसको स्किन में अब्सॉर्ब कर दें। देन इसके बाद भी आपको कुछ अप्लाई नहीं करना अगर आपका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है। इसके ऊपर से आप अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का सैलेसिलिक एसिड फेस सीरम के बारे में रिव्यू। तो कैसा लगा आपको? अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी वीडियो को लाइक कर दे और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, बाय।